हेलो दोस्तों, मैं शुभम जैन एक बार फिर से आपके साथ। और यहाँ पर हम प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए पर्यावरण अध्ययन का पोर्शन कवर कर रहे हैं। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, जिसका नाम है प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस। ये जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मैक्सिमम टाइम्स पर्यावरण में इससे क्वेश्चंस बनते हैं। एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत ही अति आवश्यक है, ये आपको अच्छे से समझना पढ़ना। तो इस वजह से हम इसको अलग से लेकर आए हैं। इस पार्ट में हम केवल प्रकाश संश्लेषण की ही बात करेंगे और है क्या इसके बारे में समझेंगे, इसके इक्वेशन को समझेंगे और इसका जो महत्व तो है वो हम समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रकाश संश्लेषण, ये जो प्रकाश संश्लेषण है वो है क्या? तो मोटे तौर पर अगर हम कहें कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो भोजन यानी कि सब्जी और फसलों का उत्पादन करते हैं, तो जिस प्रक्रिया के माध्यम से ये काम वो कर पाते हैं उस प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, अपना भोजन यानी कि वो ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, ऑक्सीजन बनाते हैं और फल सब्जी और फसलें उगाते हैं। तो इस प्रक्रिया जिस प्रक्रिया के माध्यम से ये काम कर पा रहे हैं उस प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण या इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अब और अच्छे से हम यहाँ पर देख लेते हैं कि प्रकाश संश्लेषण कहलाता क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पौधे सूर्य के प्रकाश की मौजूदगी में अपने पत्तों और हरे भागों में मौजूद क्लोरोफिल की सहायता से पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को संश्लेषित करके अपने भोजन को तैयार करते हैं। यहाँ पर आपको दो चीज़ें नोटिस करना है कि ये जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो किस प्रकार के पौधों में होती है? हरे पौधों में, हरी पत्तियों में होती है, क्योंकि जो हरे पौधे में जो हरी पत्तियाँ होती हैं, हरा रंग होता है, उसमें एक वर्णक या लवक पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं हरित लवक, या इसको हम पर्णहरिम और क्लोरोफिल के नाम से भी जानते हैं। तो क्लोरोफिल का होना आवश्यक है यानी कि पत्तियों का हरा होना आवश्यक है, और दूसरी चीज सूर्य का प्रकाश होना आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रात्रि में नहीं हो पाती है क्योंकि उस समय सूर्य उपस्थित नहीं होता है, यह प्रक्रिया केवल दिन में ही घटित होती है। तो सूर्य का प्रकाश आवश्यक होता है और पत्तों का हरा होना यानी कि उसमें क्लोरोफिल या पर्णहरिम की उपस्थिति आवश्यक रहती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए। पानी और कार्बन डाइऑक्साइड कच्चे माल के रूप में उपयोग किए जाते हैं, जबकि पेड़ पौधों का यह भोजन सुक्रोज, ग्लूकोज और स्टार्च के रूप में बनता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन कौन चीज़ें भाग लेती हैं? तो दो चीज़ें भाग लेती हैं, एक तो जल यानी कि H2O, और दूसरा जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड जो कि वायुमंडल से पेड़ पौधे प्राप्त करते हैं, जिसको हम CO2 बोल सकते हैं। इसके बाद इन दोनों से मिलकर और सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल है, इन दोनों की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, और इस प्रक्रिया के बाद पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं जिसको हम ग्लूकोज कहते हैं विज्ञान की भाषा में, और इसके अलावा वो ऑक्सीजन भी मुक्त करते हैं, और वो ऑक्सीजन हम सांस लेने के लिए उपयोग में लाते हैं। तो आप इसकी महत्वता समझ चुके होंगे कि जो पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही है उसके माध्यम से पौधे अपना भोज्य पदार्थ बनाते हैं, और साथ में हमें जो प्राणवायु के रूप में उपयोग होती है ऑक्सीजन, वो भी हमें प्रदान करते हैं। साधारण शब्दों में कहें तो पेड़ पौधों के भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण या अंग्रेजी में फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो ये पूरा सारांश दिया गया है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का कि पेड़ पौधों के द्वारा जो भोजन बनाया जाता है तो उस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? प्रकाश संश्लेषण या फिर फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी चीजें तो वो हम बता चुके हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत होती है। तो तीन चीजों की आवश्यकता होती है, वो तीन चीजें क्या क्या हैं? सबसे पहली चीज है सूर्य की रोशनी यानी कि सूर्य का प्रकाश होना चाहिए, अर्थात कि जो दिन में ये प्रक्रिया घटित हो पाती है रात्रि में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाती। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, जो कि कहाँ से मिलती है? वायु से, हवा से। वायुमंडल में विभिन्न गैसें पाई जाती हैं और उसमें CO2 भी होती है, CO2 को हम कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं और इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जल, तो ये जल हम पेड़ों को देते हैं सिंचाई के रूप में, जड़ के माध्यम से पेड़ों को
जल प्राप्त होता है। ये पौधों की जड़ें मिट्टी से प्राप्त करती हैं। तो सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 की आवश्यकता होती है, और पानी, पानी का सूत्र होता है H2O, तो इसकी आवश्यकता होती है। और इसके अलावा एक चीज़ और डिपेंड करती है कि पत्तियों का हरा होना आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पेड़ पौधों के पत्तों और हरे भागों में होती है, इनको हम स्टोमेटा बोल सकते हैं पत्तियों को, और पत्तों में छोटे छोटे छेद होते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं, या फिर हिंदी में कहें तो इसको हम रंध्र बोल सकते हैं कि पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, उनको हम स्टोमेटा या फिर रंध्र कहते हैं। और स्टोमेटा की मदद से यानी कि रंध्र की मदद से, छिद्रों की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड पौधे में दाखिल होती है। तो दो चीज़ें आवश्यक होती हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा जल। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से प्राप्त होती है? वायुमंडल से। और कैसे ग्रहण की जाती है? तो पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनको हम स्टोमेटा बोलते हैं, और ये जो छिद्र हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को पौधे में उपस्थित कराते हैं, उनको दाखिल करते हैं। इसके अलावा जो जल है वो सिंचाई के रूप में हमारे द्वारा दिया जाता है मिट्टी में, और मिट्टी में जो जड़ें होती हैं, जड़ के माध्यम से ये जल पौधे प्राप्त करते हैं। पौधे के सेल्स में छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल मौजूद होता है। तो पौधे की जो कोशिकाएं होती हैं, सेल्स होती हैं, उनमें छोटे छोटे भाग पाए जाते हैं, और इनको हम क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्या पाया जाता है? एक वर्णक जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। तो प्रकाश संश्लेषण के बारे में हम समझ रहे हैं, तो इसके बारे में क्या आवश्यक है वो हम समझ चुके हैं। अगर हम रासायनिक समीकरण के रूप में इसको लिखना चाहें तो पूरी जो प्रक्रिया है उसका सारांश हम एक लाइन में, एक सूत्र के माध्यम से या एक केमिकल रिएक्शन के माध्यम से समझ सकते हैं, जिसके लिए हमें आवश्यकता होगी बोर्ड की। तो चलिए बोर्ड के माध्यम से हम इसका केमिकल रिएक्शन समझ लेते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण को समझने के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं, और आप देख सकते हैं ये सूर्य है और ये एक पेड़ बना हुआ है, वृक्ष है। तो किस तरह से सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया घटित होती है वो हम यहाँ पर समझेंगे। सबसे पहली बात, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है पौधे के द्वारा, उसके लिए दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम सूत्र के रूप में CO2 बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ये कहाँ से प्राप्त करता है पौधा? वो करता है वायुमंडल से प्राप्त। वायुमंडल में विभिन्न गैसों के गोला पाए जाते हैं, गैसों का समूह पाया जाता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, और इस कार्बन डाइऑक्साइड को पेड़ पौधों की जो पत्तियां हैं उनमें छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं जिनको हम स्टोमेटा बोलते हैं, उसके माध्यम से वायुमंडल से प्राप्त करते हैं ये पौधे, पत्तियों के माध्यम से, जो छिद्र हैं उनके माध्यम से। और दूसरी चीज जो आवश्यक होती है वो होती है जल, और जल का सूत्र होता है H2O। H2O को हम सूत्र के रूप में लिखते हैं जल को, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। तो ये किस प्रकार से पौधा प्राप्त करता है? तो मनुष्य के द्वारा पेड़ पौधों की सिंचाई की जाती है, या फिर वर्षा के माध्यम से जो जल है वो मिट्टी के अंदर पहुंचता है और पौधे की जड़ें इस जल को ग्रहण कर लेती हैं। तो ये जल जो है वो सिंचाई के माध्यम से पेड़ पौधों को प्राप्त होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड वो वायुमंडल से प्राप्त करता है। ये दोनों चीज़ें आवश्यक होती हैं, इन दोनों से मिलकर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, और इसके लिए उपस्थिति आवश्यक होती है सूर्य का प्रकाश। तो दिन में ही ये प्रक्रिया घटित हो पाती है, यह है सूर्य का प्रकाश यानी कि लाइट। और इसके अलावा एक चीज और आवश्यक होती है, पत्तियों का हरा होना। पत्तियों का हरा होना यानी कि उसके अंदर क्लोरोफिल का पाया जाना। तो ये क्लोरोफिल जिन पत्तियों में पाया जाता है उन्हीं में ये प्रक्रिया संपन्न हो पाती है। तो ये दो चीज़ें अति आवश्यक होती हैं किसी भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए, जो हमने यहाँ पर इस एरो के साइन के ऊपर और नीचे लिखी हुई हैं। और इस प्रक्रिया के बाद क्या क्या प्राप्त होता है वो हम देख लेते हैं। इसको थोड़ा और अच्छे से हम बना लेते हैं इक्वेशन को कुछ इस तरह से। CO2 और ये है H2O, इन दोनों से मिलकर ये प्रक्रिया घटित होती है और उपस्थिति होती है सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल।
अब यहां पर हम बात करें तो बनता क्या है, तो ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज यानी कि पौधे का भोज्य पदार्थ, और उसका फॉर्मूला होता है C6H12O6 प्लस। इसके साथ दो उत्पाद और प्राप्त होते हैं, क्या क्या हमें ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है वो है O2, और इसके अलावा कुछ मात्रा में जल प्राप्त होता है वो है H2O। अभी ये केमिकल जो रिएक्शन है वो संतुलित नहीं है, संतुलित होने का मतलब है कि बाएं पक्ष में जितने परमाणु हैं उतने ही दाएं पक्ष में होना आवश्यक है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि कार्बन एक है और यहाँ पर कार्बन कितने हैं, छः। तो यहाँ पर इसको हमें ऐसा संतुलित करना है कि जितने परमाणु यहाँ पर हों उतने ही राइट साइड में हों। तो हम यहाँ पर छः अणु ले लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, और H2O के लिए जाते हैं 12 अणु। ये केवल इस रिएक्शन को संतुलित करने के लिए बैलेंस बनाया जा रहा है। तो ये है 6CO2 प्लस 12H2O, 12H2O ये है ग्लूकोज यानी कि पौधे का भोज्य पदार्थ, और यह है ऑक्सीजन ऑक्सीजन, और यह है जल। अब यहां पर आप देखेंगे कार्बन 6 थे तो यहां भी कार्बन 6 है, ऑक्सीजन है 6 × 12 और ये 12, तो 24 ऑक्सीजन है जो आगे लिखा होता है उसका सब में मल्टीप्लाई होता है, तो 12 और 12 24 ऑक्सीजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन है केवल 6, तो यहाँ पर 6 लगा देते हैं और यहाँ पर हम 6 लगा देते हैं, तो ये हो गए 6, 6 × 12, 12 × 6 = 18 और 6 = 24, ऑक्सीजन का लेवल आ गया। अब हाइड्रोजन देख लेते हैं, तो 12 × 24 हाइड्रोजन है, और यहाँ पर देख लेते हैं तो हाइड्रोजन 12 ये हैं और 6 × 12 ये हैं, यानी कि 24 हाइड्रोजन हो चुके हैं, यानी कि ये अपना इक्वेशन यहाँ पर बैलेंस है। अब एक बार दोबारा समझ लें, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से प्राप्त की किसने, पौधे ने, और H2O यानी कि जल, जल हमने दिया सिंचाई के माध्यम से या फिर वर्षा के माध्यम से प्राप्त हुआ जल, ये दोनों मिल गए, और सूर्य के प्रकाश, दिन में सूर्य का प्रकाश मिल रहा है पौधे को, और पौधे की पत्तियां हरी हैं यानी कि उसमें क्लोरोफिल भी है, तो ये प्रक्रिया घटित हुई और क्या बनाया, ग्लूकोज, ग्लूकोज यानी कि पौधे का भोज्य पदार्थ जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6, और इसके अलावा वो मुक्त करता है ऑक्सीजन जिसको हम सांस लेने के लिए उपयोग में लाते हैं 6O2। इसी वजह से ये कहा जाता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करना चाहिए, क्योंकि जितने ज़्यादा वृक्ष होंगे उतने ज़्यादा जो पौधे हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से ऑक्सीजन मुक्त करेंगे, और इसके माध्यम से जो हवा है वो स्वच्छ बनी रहेगी और हमें सांस लेने के लिए प्राणवायु के रूप में ऑक्सीजन की प्राप्ति होती रहेगी। अब बात करते हैं आगे, तो जल H2O, यहाँ पर H2O के 12 अणु थे, उसमें से कुछ अणु ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाने में चले गए, तो बाकी कितना बचा जल, 6H2O बचा हुआ है। ये कहाँ जाता है, तो ये जो पौधा होता है उसमें जैव रासायनिक क्रियाएँ घटित होती हैं उसमें ये जल उपयोग में लाया जाता है। तो ये पूरी प्रोसेस है प्रकाश संश्लेषण की, जिसको हमने यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत किया हुआ है। अब आगे का जो डिस्कशन है वो हम डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में दोबारा से समझ लेते हैं। आगे आते हैं, लिखा हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु और पानी के 12 अणु पत्तों के अंदर सूर्य की रोशनी और क्लोरोफिल की सहायता से संश्लेषित होते हैं, अर्थात रासायनिक क्रिया करते हैं। इस क्रिया में ग्लूकोज का 1 अणु, पानी और ऑक्सीजन के 6 6 अणु बनते हैं, जो कि हमने अभी रिएक्शन में देखा हुआ था, वही बात यहाँ पर लिखी हुई है। ग्लूकोज पौधे की ऊर्जा होती है जिसे वो उपयोग कर लेता है, और बाकी बची ऊर्जा को स्टार्च के रूप में स्टोर करके रख लेता है। तो कुछ भाग ऊर्जा के रूप में वेस्ट हो जाता है, बाकी की जो ऊर्जा बचती है वो स्टार्च के रूप में संग्रहित हो जाती है पौधे के अंदर। पानी के 6 अणु जो रासायनिक क्रिया द्वारा पैदा होते हैं दोबारा से जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं में लग जाते हैं। तो ये जो 6H2O लास्ट में बचता है वो किस रूप में काम आता है, जैव रासायनिक प्रक्रियाओं में ये दोबारा उपयोग में आने लगता है। और ऑक्सीजन के 6 अणु स्टोमेटा के द्वारा वातावरण में चले जाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पैदा हुई यह ऑक्सीजन पानी के अणुओं से बनी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड के अणुओं से नहीं। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि जो 6 अणु ऑक्सीजन के प्राप्त हुए हैं वो पानी के अणुओं से बनी हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड के जो अणु थे उनसे ये ऑक्सीजन नहीं बनी होती है। अब
प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को समझने के बाद इसका क्या महत्व है ये हमें जानना आवश्यक है। वैसे आप इसके महत्व को भलीभांति समझ चुके होंगे कि कितना ज़्यादा महत्व है, फिर भी देख लेते हैं। अगर हम प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया की को दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण जैव रासायनिक अभिक्रिया कह दें तो यह गलत नहीं होगा, क्योंकि ये प्रत्यक्ष या परोक्ष तौर पर दुनिया के सभी जीव इसी पर निर्भर हैं। भोजन की प्राप्ति, सबसे पहली बात तो इसके माध्यम से भोजन की प्राप्ति होती है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया से पौधों को भोजन प्राप्त होता है, ये तो आपने जान लिया, लेकिन इससे उन जीवों को भी भोजन प्राप्त होता है जो कि पौधों के पत्ते खाकर अपना गुजारा करते हैं। सभी तरह की फसलें भी हरी होने के बाद ही पकती हैं, क्योंकि वो भी एक तरह के पौधे ही होते हैं। इस तरह से मनुष्यों को भी प्रकाश संश्लेषण की वजह से भोजन प्राप्त होता है। दूसरी चीज यहाँ पर इसके महत्व में कि पर्यावरण संतुलन में सहायक है, ऑक्सीजन मुक्त होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया की वजह से पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को निकालते हैं, इस प्रकार वातावरण को शुद्ध करते हैं। हर साल पौधे लगभग एक लाख करोड़ टन कार्बन को प्रति वर्ष जैव पदार्थों में बदल देते हैं, तो एक बहुत बड़ी मात्रा है। और इसके अलावा ऊर्जा के स्रोत के रूप में प्रकाश संश्लेषण का भी महत्व है कि प्रकाश संश्लेषण जैव ईंधन बनाने में भी सहायक होता है। जैसे कि पशु जो हरा चारा खाते हैं उससे हमें गोबर मिलता है, जिससे हम ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। कोयला और पेट्रोलियम भी प्रकाश संश्लेषण की ही देन है, क्योंकि यह लाखों करोड़ों साल पहले गले सड़े जीवों और पेड़ों के धरती के नीचे दब जाने के कारण बने हैं। तो ये महत्व था प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का। तो हमारा ये टॉपिक आज यहीं पर संपन्न होता है, एक नए टॉपिक के साथ आपसे दोबारा मुलाकात।